गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे दोस्तों। आज वेनेसडे है और मेरा जो काउंटडाउन है वो ऑलरेडी स्टार्टेड। एक एक करके दिन जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि कब मेरा वो सपनों का दिन आएगा जब मैं इस काम को छोड़ के एक नई ज़िंदगी, एक नई उड़ान की ओर मैं जाऊँगी, शुरू करूँगी मेरी नई सफ़र। और बहुत सारे जनों ने मुझे बोला कि अभी इस उम्र में इस नौकरी को छोड़कर तुम जा रहे हो, क्या तुम सेटल कर पाओगे, क्या कुछ कर पाओगे। मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि एज इज़ नॉट अ बैरियर, दिस इज़ ओनली अ नंबर विच शोज़ योर एक्सपीरियंस, विच शोज़ हाउ मच एक्सपीरियंस्ड यू आर। सो दैट्स ऑल ओनली। शुरू करने के लिए कभी भी कुछ भी हम कर सकते हैं और मेरे जो लक्ष्य है वो कुछ और ही है। और मैं आज आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या करती हूँ। एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, आपको मेरे स्कूल के अंदर का लुक दिखा, बाहर तो मैं नहीं दिखा सकती। अभी मैं स्कूल के अंदर ही बैठी हूँ, ये मेरी बैग है और मैं बिस्किट खा रही थी मैं को, और ये बच्चों का कोई नहीं है। अभी बच्चों लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो वो लोग घर चले गए, तो मैं अकेली बैठी हूँ, कॉपी एग्ज़ाम कॉपी चेक कर रही हूँ। तो सोची कि थोड़ा आप लोगों को शेयर करूँ। और पता है मेरे मुझे एक मिसहैप हुआ है मेरे साथ, वो जो मैं बोल रही थी कि मैं अभी डांस प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे पैर में मोच आ गया, थोड़ा वो सीवियर हो गया क्योंकि मैं अभी उसको प्लास्टर भी नहीं कर पाई। कुछ प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम, स्कूल का छुट्टी का प्रॉब्लम, स्कूल में अभी बहुत प्रेशर है क्योंकि 31 सितंबर मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। आज मैं आप लोगों को वो मैं बता दी। और अक्टूबर से मैं यहाँ पे और नहीं आऊँगी, और मेरा जो ट्रेन का टिकट है वो अक्टूबर में ही है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कब है, अभी वो मैं नहीं बता सकती, कुछ प्रॉब्लम है। और मेरा पैर का हालत मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि इसलिए मैं अभी डांस प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। चलो अब मैं दिखाती हूँ मेरे पैर का हालत। यह है मेरा पैर का हालत, तो अभी बहुत रेस्ट लेना है, देखती हूँ क्या करती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल ही दिया है कि प्लास्टर करना ही है। कुछ सोच रही हूँ कि सितंबर ख़त्म हो जाए और नहीं, अगर मैं सितंबर तक नहीं रहूँगी तो मुझे वो 12 साल का एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। और जाके फिर मैं सोच रही हूँ कि अक्टूबर में एक तो फर्स्ट वीक में मैं ट्रांसफ़र सॉरी वो प्लास्टर कर लूँ, और जब तक मैं ट्रेन पे जाऊंगी तब तक आई थिंक मेरा टाइम हो जाएगा प्लास्टर करने का। तो वो सब कब होगा, क्या तारीख है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता सकती। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ रहिएगा मेरे इस नई लक्ष्य की ओर जाने में, और मैं जो नया जो एक काम करने जा रही हूँ उसमें मैं सफल हूँ, इसीलिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी मुझे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सच्ची में कि एज इज़ नॉट अ बैरियर, इट्स ओनली अ नंबर्स, इजंट इट। दिस माई थॉट्स। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करके मेरी जो उड़ान है उसके साथ आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, आज के लिए इतना ही है। और मैं इस बीच में मैं बाहर गई थी कुछ खाने की सामान लेने के लिए, मतलब कुछ खाना था, भूख लगी थी, तो क्या खाना लाई है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। तो बाय। देखिए मैं बाहर आके मैंने तो एक डोसा खरीदी है, वो मसाला डोसा, बाहर स्कूल के बाहर ही बहुत सारे दुकान है तो वहाँ पे मैंने मसाला डोसा खरीद लिया और 25 रुपया लिया था क्योंकि जाके फिर तो चावल भी खाना है, तो वो मैंने खाई। फिर मैं छुट्टी हो गई, बड़े बच्चों का जैसे छुट्टी हो गया मैं हम लोग घर चले गए। तो आप लोग देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ चलिए मेरी इस जर्नी में, आप लोग भी मेरे हम सफर बन जाइए।